जी बाबा जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? जगदीश प्रसाद तोमर। तोमर जी, क्या लग रहा है बाबा जी, अब की बार 2022 के चुनाव आ रही है? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन सी सरकार आ रही है अब की बार? पता नहीं कौन सी आ रही है। वोट किसे दोगे तो बता दो, दिल की बात। वो टाइम बतावेगा ये, टाइम से पहले बता। लो बाबा जी ने तो बता दिया, भाजपा को देंगे। भाजपा को? भाजपा को। लो बाग तो चाचा यूं कह रहे था जी कि नाश कर दिया भाजपा ने। नहीं, कोई नाश नहीं करा। पक्की बात? बिल्कुल। सरकार कह रही किसान पर, जनता कह रही किसान परेशान है, हर आदमी। क्या लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया कर रही सरकार। ये बताओ अखिलेश, प्रधानमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री आज तक आया नहीं। अच्छा जी। हाँ, क्या खूबियाँ रही है? सब काम सरकारी, जनता के हो रही खूब। 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी, कितना विकास करा उन्होंने? क्या करा? अलावा रक्षा, लैपटॉप, यही तो बांटे। एक जाति वो भी सबको नहीं बांटे, एक धर्म को बांटे उन्होंने। योगी ने सबके लिए करा? योगी ने सब। लेकिन लोग बाग तो कह रहे योगी पे आरोप लगा रहे, कह रहे कुछ काम नहीं करा, सब बेकार कर रहा है। नहीं देखो, ये तो सबकी सोच बहुत नारी है। मायावती भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। बढ़िया रही, वाह। अब की बार है उम्मीद नहीं? नहीं ना। एक तरफ आप कह रहे बढ़िया रही, एक तरफ कह रहे उम्मीद भी नहीं। ना ना ना, उसने भाई बड़ी जाति परेशान किया जब रही, वाह। अच्छा। और जो किसान परेशान कह रहे, किसान परेशान है बॉर्डर पे, है भी नहीं? कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं ना। बाबा जी, आपको क्या लग रहा है किसे दोगे वोट? दे देंगे, हमारी तो, हमारी तो वोट कोई ले ना, कोई दे। बाबा जी कह रहे बीजेपी को दूंगा और आप कह रहे मैं दूंगा? मैं बीजेपी को ही दे देंगे। पक्की बात है? और का पक्की है। ऐसा नहीं सरकार से परेशान हो, वहाँ जाके बटन बदल दो। सरकार कुछ भी हो जाओ, रोटी तो हमें दे बेकू, कोई आवेगो ना। समझ गए? तुम करके जी ठोक के मोहर मारेंगे। हाँ। योगी कोई? हाँ। नहीं ऐसा तो नहीं योगी ने ठोट मार दी तो वोट ना मारो? ना 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 ना, पक्की बात है। चलो जी, और भी हमारे साथ ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। क्या लग रहा है जी, अब की बार योगी सरकार वापसी आवेगी या घर छोड़ के जाएगी? नहीं आएगी, घर छोड़ के जाएगी। क्या बात होगी कर्नराज को? घर छोड़ के जाएगी, उसने ये कहा था कि 14 दिन में भुगतान देंगे, अब तक 18 महीने का भुगतान उसके पास है और 2000 रुपये देकर किसानों को बका दिया उसने। खाद के दाम उसने बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम उसने बढ़ा दिए, डीजल के दाम उसने बढ़ा दिए, गैस के दाम उसने बढ़ा दिए, गन्ने के भी तो बढ़ा दिए। 25 नहीं बढ़ाया, 25 रुपये क्या हो? जो खाद का कट्टा 900 रुपये का था वो आज 2400 रुपये का कट्टा है, खाद का कट्टा। और डाई की जो 50 किलो की थी वो 45 किलो की है आज। हाँ, और पेंशनों की पेंशन काट ली, और जो कर्मचारी हैं उनकी जब उनकी पेंशन काट कर उन्होंने पूर्ति कर ली। लेकिन ये तो ये कह रहे कि सरकार ने विकास भी तो बहुत करा, सड़क विकास सड़क बनवाई, उसका क्या नाम उसका 6-6 जगह जो है टोल प्लाजा लगा रखे हैं उन्होंने, वहाँ वसूली कर रहे हैं उससे ज़्यादा। अच्छा, ये बात, उससे ज़्यादा वसूली कर रहे हैं वो। गुंडागर्दी खत्म कर दी? कह क्या गुंडागर्दी कोई ख़त्म नहीं हुई है, अभी उसमें क्या नाम उसका महात्मा को मार दिया किसी ने, और उसमें दिल्ली में जो है भरी कोर्ट में जज के सामने जो है एक बदमाश को वहीं मारा उन्होंने, वकील के उसमें आया मर गया। कहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी? वो तो दिल्ली होगा, ये यूपी होगा, तो सब दिल्ली और यूपी एक ही है। तो कह रही हम योगी राज में गलत कह रहा, उन्हें पता ही नहीं है। चार साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो ये कोई वो है? अखिलेश यादव में सही थे? अखिलेश की सरकार में किसका जो है? अखिलेश की सरकार सही रही? हाँ जी, लो सुनो सुनो, जिसको आप सुधार कर गिनते हैं। इधर आ जाओ ताऊ जी, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, सुनो, आओ जी, आओ, सुनो बात, सुनो, बैठ तो जाओ ताऊ जी, बैठे गए। सुनो, पहले भी तो होते ये जो रेप, पहले भी तो होते, सरेआम चैन टूटे थे लोग औरतों की, किसी टूट रही लो जी बताओ, पहले भी टूटे थे तो किसका यार? नहीं थोड़ी बहुत ही कम होगी, बस ज्यादा नहीं हुई है कुछ, कम तो हुई नहीं, नहीं, नहीं जितना इन्होंने ढिंढोरा पीट रहा है उतना नहीं हुई है। अच्छा, अखिलेश ने सही कर रहा था? किसका जो है नहीं, सही तो कोई भी नहीं करता है, सुधार धीरे धीरे होता है, एकदम सुधार नहीं हो सकता जो अखिलेश सुधार कर देगा। एक सुनो, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो है विदेश बन आता था, अब सारी चीज़ यही बन रही है, कांग्रेस के जमाने से पहले से ही आ रही है। हाँ, तो फिर तो फायदा कर दिया योगी ने, जब सारी चीज़ें यही बन नहीं। हाँ, तो योगी ने थोड़ा कर दिया, पाँच साल में थोड़ा कर दिया योगी ने, जो मोदी ने, फिर किसने करा? किसने? सबने मिलकर किया है, सबने मिल, हाँ सबने मिलकर किया है, अखिलेश यादव ने करा। हाँ, उसने भी किया, उसका भी सही। ये तो योगी ने करा, ताऊ जी कौन बता इसे फेंको? बिल्कुल योगी ने करा। ताऊ जी ने कह दिया, कहते रहे इन्हें क्या पता है, इन्हें क्या पता, अठवा पास है ये, मैं MLA भी हूँ,
मुझे सारा पता कानून जो 370 वहाँ उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद को वहाँ 370 की हटाने की क्या जरूरत थी, उसमें आपस में मरवाने की क्या जरूरत था, मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी, वो तो मंदिर तो वो क्या नाम उसका अदालत वैसे ही बनवा देती, बनवा दिया उन्होंने मंदिर, राम मंदिर तो ये कह रहे योगी ने बनवा दिया, नहीं वो गलत कह रहा, वो झूठ कह रहा है वो, जब जब से जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी पहले, यदि ये सरकारी कानून बना गए मंदिर बनाते तब इनकी हिम्मत थी, वो तो अदालत के उस फैसला होना ही था, 5 साल हो गए वहाँ। हाँ तो यानी जो फैसला आया इसमें योगी का कोई योगदान नहीं है। मैं भुगत भोगी हूँ इसका, यहाँ मैं बाराबंकी स्टेशन पे, सुनो आप लोग सुनो, बाराबंकी स्टेशन पे मैंने सुना है कार सेवकों को ऐसे ऐसे नारे लगाते हुए कि जो नारे उन्हें नहीं लगाने चाहिए, हम हमारा देश है, हम नारे क्यों लगाएं किसी जाति के खिलाफ, चलवाई थी खूब सही करा था उन्हें, नहीं लग रहा कि दोबारा उनकी सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बाबूजी तो कह रहे कि मुलायम सिंह यादव ने सही करा, और क्यों क्यों मेरा घर कोई तोड़ने लगा तो क्या करोगे तुम, यहाँ मैं क्या करूँगा, मेरे घर पर कब्जा कर लिया मैंने, योगी को दरख्वास्त दी कुछ भी नहीं हुआ, जब वहाँ पे मंदिर था वो कह रहे मंदिर को बनाने के लिए करा, नहीं नहीं गलत किया अदालत के फैसला, अब क्यों मानना है इन्होंने अदालत का फैसला, अपना कर लेते कानून बना गए, अदालत का फैसला बना तभी तो बना जब ने सबूत और गवाह देखे, नहीं नहीं आपने कहा पढ़े लिखे हैं MLL भी हैं, जब कानून में जज ने सबूत और गवाह देखे तभी तो मंदिर, हाँ तो हाँ तो मंदिर बना तो इनका क्या सहयोग है उसमें, तो अदालत का सहयोग है, सहयोग तो इनका रहा लेकिन आपने कहा कार से इन्होंने तो यह सबसे चंदा इकट्ठा करके भाई लूट ली बेकार में, हमारे से चंदा लिया इन्होंने, यहाँ और भी हमारे साथ युवा साथी हैं इनसे भी जान कर लेंगे क्या लग रहा भाई साहब अब की बार वोट तो देने जाओगे अब की बार, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार भी भाई बाबा जी बैठे वो मना कर रहे हैं, पता नहीं उस्ताद हमारी वोट नहीं बनी हुई, ये भी बनेगी आपकी बनी भाई साहब आप बताओ बनी हुई है, किसे जाएगा वोट अब की बार, अखिलेश यादव को जाएगा, अखिलेश यादव, हाँ बिल्कुल, बाबू जी कह रहे योगी सरकार आप कह रहे अखिलेश यादव, कोई इस सरकार ने कोई भी रोजगार नहीं दिया, सब पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, और आज भी लखनऊ में जाकर देख लो धरना प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा अखिलेश यादव अखिलेश की सरकार में सब नौकरी कर रहे, सबको नौकरी मिली, गोगल इसकी सरकार आती सबकी नौकरी भगा दी, हाँ बिल्कुल भाग दी, कोई पेपर लीक हो गया कहीं छापा पक गया कहीं कुछ हो गया, मतलब इस सरकार में बहुत ज्यादा, 2 साल से तो कोरोना ही है भाई जी, कोरोना में ही तो इन्होंने सारा खेल कर दिया, कोरोना का ही सारा खेल है ये, कोरोना था भी नहीं, कोरोना का तो एक आग है, कोरोना की सिर्फ एक आग है, बाकी रोजगार सबके बंद है, सारे यहाँ दुकानदार बैठे हैं, कह रहे कोरोना सरकार में सरकार ने राशन बंटवा दिया इतनी सहूलत, क्या हो राशन से, क्या हो उसमें पूरा पकेगा किसी का राशन से, 2 किलो राशन से किसी का पूरा पके जाएगा, 5 किलो दिया सरकार ने, कुछ नहीं पूरा पकता उसमें, हाँ जी बाबा जी कर कर खाना फटेगा, फ्री में सरकार ना देने की, फ्री में सरकार ना देने की, जी भाई साहब इन्होंने कहा फ्री में सरकार नहीं देगी कुछ करके खाना पड़ेगा, कुछ नहीं है उससे कोई फायदा नहीं है, वो तो एक जैसे कुत्ते को एक कुगा मिल जाना वो मिल रहा बस, और कुछ नहीं है, मायावती प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनका सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा मायावती जी का, तो वोट तो आप अखिलेश को दे रहे हैं, नहीं मैं उनको भी कहता हूँ अखिलेश को भी हमने वोट दिया, भाजपा को भी दिया, पिछली बारी भाजपा को वोट दिया, खरी नहीं उतर भाई ना, खरी नहीं उतर भाई, अपने वादों में बिल्कुल विफल है सरकार, तो अब की बार किसे दोगे, मायावती को अखिलेश को, बार सिर्फ मायावती को सरकार, या मायावती गठबंधन को जाएगी अब की बार वोट, अगर गठबंधन नहीं करा तो नहीं जा होगा, बिल्कुल होगा, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कर रहा कांग्रेस से फिर भी हार गई थी वो, कोई बात नहीं वो उनकी देख रेख था पहले, इस बार कुछ और माहौल है, जब कुछ और माहौल था, इस बार किसे जाएगा वोट, इस बार तो अखिलेश यादव को जाएगा, हाँ जी बाबू जी बताओ ये कह रहे गठबंधन, अगर गठबंधन होगा फिर जूता बजेगा 6 महीने बाद, लो जी बताओ अब तो इन्होंने कह रहे जूता बजेगा, कुछ नहीं बजता अब, कौन से जूते नहीं है वहाँ, योगी भी हैं उप मुख्यमंत्री भी, 3 मुख्यमंत्री हो रहे हैं वहाँ, अब तो कह रहे कि गुंडागर्दी खत्म करवा दी, मुख्यमंत्री तो एक ही हो अब भी, 3 है योगी भी है, दिनेश शर्मा जी भी हैं, कितने मुख्यमंत्री, लेकिन यूँ कह रहे योगी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहन बेटे सुरक्षित, कुछ नहीं है रोज अखबार में देख रहे हैं, आज वहाँ लूक लिया, आज वहाँ, ये भी 6 साल की बच्ची, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, क्या सरकार ने कुछ किया इस पे, आज ही सरकार बताओ सरकार क्या कर रही, मुकदमे होगा जो कुछ होगा, सरकार क्या कर रही, सरकार ने तो एक्शन ले लिया ना, मुकदमा करवा दिया सरकार ही, पहले तो मुकदमे भी नहीं होते इसमें, तो सरकार ही करेगी जो भी करना, लो भाग दो इनकी भी सुने, हाँ जी बाबू जी मार के और लोन दिया करके और पेड़ पर सुखाए दे वहाँ जाके पहले, लेकिन सरकार कार्रवाई भी तो करे, पुलिस भी तो पहुँच रही है, पहले तो पहुँचे नहीं कौन न की, जब कुछ सरकार बैठे मुलायम सिंह और वो बाराम सिंह और फलाने वो यही काम के तो है, वो और क्या है, वो भी ये कह रहे थे, और अच्छा जी आपने ये कहा मुलायम सिंह यादव अखिलेश की सरकार बड़े लग रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव का नारा भी याद है नहीं, कुछ नहीं, वो तो उन्होंने कहा था कि बलात्कार बच्चों से भूल हो जा, वो तो बुजुर्ग है उनका जो दिमाग है वो सके आ गया, अखिलेश यादव उनकी सुनते नहीं,
चाचा के साथ अखिलेश यादव है नहीं, आपके अखिलेश यादव दिमाग से गया। ये अखिलेश जो है, अखिलेश भैया जो है वो युवा नेता है, युवाओं की धड़कन है। हाँ जी भाजी बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सकेगा जनता क्या होगा वो? लो जी बताओ, जो अब तो इन्होंने कह दिया जो अपने बाप का नहीं, उसका ही है नाम तो इसका ही है, अखिलेश यादव का नाम है, नाम तो इसका ही, बाप तो इसका ही, नाम तो ही काम चल जाएगा। औलाद बिगड़ रही है और औलाद करके नहीं कर जाएगा, बाकी काम चल जाएगा। योगी जी के पिताजी मरे, अपने पिता के मरने पे भी नहीं योगी जी गए, लेकिन वो प्रदेश की जनता के तो उसे छोड़ दो, जो अपने माँ बाप का जिन उनके बच्चे ही नहीं, औलाद ही नहीं, उन्हें पता क्या है किसी कह रहे में प्रदेश की जनता में तो रहा, अपने बाप के साथ रहा नहीं। ना योगी के बच्चे हैं, ना मोदी के बच्चे हैं, ना नितिन गडकरी के बच्चे हैं, और ना जितने भी हैं सारे तो कुल मिला के अब की बार सरकार को वोट किसे? अभी आपने कहा मायावती को, औलाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ बस हिंदू और मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बस। हाँ जी ना है बच्चे तो ना है उनके, किसी के भी नहीं है, तो तुम्हारा देश तो चला था 20 साल से चला रहा कोई योगी। हाँ जी समझ गए। और तो आपने देखा कि जनता रोड पर इस समय हमारे साथ जो मौजूद थी पब्लिक, उनकी राय थी 2022 के चुनाव को लेकर। अब देखना ये होगा कि आखिर 2022 के जो चुनाव है उसमें जनता का क्या मूड है। अभी हमारी खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।